पंचकुला हिंसा मामले में हनीप्रीत प्रत्यक्ष तौर पर कोर्ट में पेश हुई। सभी आरोपियों ने सिर्फ हाजिरी ही लगाई। हनीप्रीत पहले के बजाय इस बार ज्यादा खुश और आत्मविश्वास से लबरेज नजर आई। हनीप्रीत आखिर इतनी खुश क्यों नजर आई, इस रिपोर्ट में देखिए। पंचकुला हिंसा मामले को लेकर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत पंचकुला कोर्ट पहुंची। इस दौरान पंचकुला हिंसा की आरोपी हनीप्रीत कुछ बदली बदली से दिखाई दी। जेल में राम रहीम से मिलने के बाद हनीप्रीत की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है। पहले वो अदालत में डरी हुई दिख रही थी, लेकिन आज वो बहुत आत्मविश्वास से चल रही थी। हनीप्रीत के वकील ने जानकारी दी, हनीप्रीत समेत सभी आरोपी कोर्ट में पेश हुए। आज सभी एक्यूज्ड आए थे। एक एक्यूज्ड की सिर्फ एजम्पशन है, प्रदीप नाम के एक्यूज्ड की एजम्पशन थी। बाकी सभी एक्यूज्ड पूरे जितने भी एफआईआर में हैं सभी मौजूद थे। इन पर्सन उन्होंने अपने दस्तखत किए हैं। अगली जो तारीख है वो एविडेंस के बेस पे ट्रायल चलेगा और पीपी साहब को डायरेक्शन दी गई है जज साहब की तरफ से, बी स्पेसिफाई वो हमें लिस्ट बनाकर देंगे बी 24 जनवरी को कौन कौन से विटनेसेस एग्जामिन होंगे। हालांकि मामले में फिलहाल कोई खास कार्रवाई नहीं हुई और हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों ने सिर्फ हाजिरी ही लगाई। फिलहाल मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख भी निर्धारित नहीं की गई है। हाल ही में हनीप्रीत ने सुना दिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों ने करीब आधे घंटे तक बातचीत की थी। इस मुलाकात के बाद ही हनीप्रीत के हाव भाव में बदलाव देखने को मिला। इस मुलाकात के बाद वो पहली बार कोर्ट पहुंची थी। खबर अभी तक के लिए पंचकुला से शशि अरोड़ा की रिपोर्ट।